अपना हेल्थ केयर का उद्घाटन हुआ सिमरी चौक के बस्तवारा में। बता दे चले आज मिलादुन्नबी के जश्न के मौके पर अपना हेल्थ केयर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें आपको बता दे चले क्यूटी के चहीते पूर्व विधायक फराज फातमी, मस्कूर उस्मानी और जो डॉक्टर प्रभाकर हैं जो वो संस्था के मालिक है, साथ ही साथ कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ वहीं रामशिला के सीनियर डॉक्टर ने भी मौजूदगी यहां पे अपनी दर्ज कराई। वहीं खास बात बताते चले इस अस्पताल के खुलने से जो सिमरी चौक है बस्तवारा है तकरीबन 25 से 30 गांवों के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इमरजेंसी सेवा यहां पे उनको मिलेगी। साथ ही साथ स्त्री रोग, पुरुष रोग, बच्चों के विशेष करके डॉक्टर, हड्डी रोग, न्यूरोसर्जन, तमाम चीज़ की सुविधाएँ अपना हेल्थ केयर में यहाँ पर मौजूद है। 24/7 यहाँ डॉक्टर मौजूद रहेगी। खास बात बताते चले NH 57 के नज़दीक होने के कारण अब कभी किसी को यहाँ पर दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि अपना हेल्थ केयर सारे सुविधाओं से लैस है और यहाँ पे अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। खास बात बताते चले यहाँ जिस तरीके से लगातार लोग दरभंगा शहर में आते इलाज कराने के लिए घंटों जाम लग जाती है कभी कभी, और 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब ऐसे लोगों को जिनको इलाज कराना होगा सिमरी चौक पे स्थित बस्तवारा पे अपना हेल्थ केयर है। आइए हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर फराज फातमी ने, मस्कूर उस्मानी ने और डॉक्टर प्रभाकर पाठक है जो ऑनर है, उन्होंने क्या कहा इस संस्था के खुलने पर किसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये सबसे पहले तो मैं अपना हेल्थ सेंटर के नाम से इस सेंटर को खोला गया जो कि कहिए सिंहवाड़ा का हेडक्वार्टर ही कहिए सिमरी, और यहाँ पे कम से कम 20-25 गांव के लोग हमेशा जमा होते हैं और रेगुलर उनका आना जाना रहता है, जबकि हाईवे के करीब भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर भी यहाँ पे करवाते हैं, मौजूद हैं, पहले ये काम कर चुके हैं लाइफलाइन अस्पताल में भी और एज IGMS पटना में भी उन्होंने काम किया है जैसे कि ये तो, और जैसे कि फैसिलिटीज़ की बात इन्होंने मुझे बताई है कि फीमेल डॉक्टर और कई डॉक्टर्स का इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है जो रेगुलर यहाँ रहेंगे, क्योंकि गायनिक की जो प्रॉब्लम है स्पेशली महिलाओं की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से दरभंगा जाते जाते बड़ी परेशानी होती है, अगर इमरजेंसी में सिजेरियन करना है, इमरजेंसी में डिलीवरी करनी है या कोई एक क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो तो उसको कम से कम इमरजेंसी केयर यहाँ मिल सके और उसके लिए डॉक्टर्स पॉइंट होगी जो रेगुलर रहेंगे, तो एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है इस अस्पताल में, तो निश्चित तौर पर अस्पताल आगे बढ़ेगा। साथ साथ सर्जरीज का भी कह रहे हैं कि हर तरह की सर्जरीज होंगी और 8 बेड का अस्पताल इसको भी एक्सपैंड भी करेगा, तो गरीब लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पे क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत लोगों के पास नहीं होते कि जो निजी अस्पताल में जा करके सेवा ले सके या दे सके, तो कम से कम यहाँ की जो गरीब हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं जिनको यहाँ पे हेल्थ की कोई अगर इशू होगा तो निश्चित तौर पे एक सेंटर है जो यहाँ पे उनको एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ये लोग इनका एक्सपीरियंस और लोकेशन साथ में कॉस्ट इफेक्टिव और बेटर क्वालिटी ये हेल्थ सर्विस अगर मिल जाती है इस इलाके को तो यहाँ के गरीब लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा। सबसे पहले तो मैं हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं डॉक्टर प्रभाकर जो खुद डॉक्टर हैं और उनके सहयोगी साथी के रूप में मुकर्रम लोगों ने मिलकर इस अस्पताल की नर्सिंग होम की स्थापना की है जिसका नाम अपना हेल्थ केयर, और जैसा कि इसका नाम है अपना, तो जब यहाँ कोई मरीज आएंगे तो उन्हें यहाँ आने के बाद भी अपनाइयत लगेगी, चूँकि इन्होंने जो रेट्स रखा है OPD का, इन्होंने किसी भी ऑपरेशन का जो रेट रखा है वो काफ़ी कम रखा है मार्केट प्राइस से, और जिस इलाके में इसको ओपन किया गया है ये समझिए कि इलाका दरभंगा मेन शहर से क्वार्टर से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब कभी घर में हमारी बहनों को, हमारी पत्नी अगर कोई है उनको अगर किसी भी तरह की कोई पीड़ा होती है, खासतौर से जो प्रेगनेंसी का मामला होता है उसमें आन फानन में हम लोगों को दरभंगा लेके जाना पड़ता है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि गायनेकोलॉजिस्ट भी डॉक्टर रहेंगी यहाँ पर, तो गायनेकोलॉजिस्ट जो रहेंगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आसपास के सिर्फ इस गांव के इस इलाके के नहीं बल्कि 20-25 गांव के लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, और कई बार ऐसा होता है कि सांप काट लेता है किसी को अगर, तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते 1-2 घंटा लग जाता है,
हालांकि वक्त बहुत कम होता है उसमें हम लोगों के पास, 20-25 मिनट और एक घंटे के अंदर अगर अस्पताल पहुंच जाते हैं और उसको ASV वगैरह दे दिया जाता है तो उसकी जान बच जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ इन्होंने यहाँ पर रखा है, खासतौर से जो अगर किसी मरीज़ को कोई सांप काट लिया या कोई बर्न का केस है या किसी ने जहर खा लिया, इन तमाम केसेस के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड इन्होंने अपना सेंटर। किनके द्वारा उद्घाटन किए हैं आपने? मशहूर उस्मानी और पूर्व विधायक हराज फातमी के द्वारा फीता काट के आज मेरे हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। यहाँ कुल कितने डॉक्टर काम करेंगे? यहाँ पे हम लोग कुल एक डॉक्टर की टीम है जो हड्डी रोग नस रोग के हैं, महिला का है और MD मेडिसिन है, एक हम हो गए, एक क्या कहते हैं न्यूरो के डॉक्टर हैं, मतलब एक हम लोग के पूरी एक टीम है जो ऑन कॉल जो जैसी पेशेंट रहेगी ऑन कॉल आके वो देखने वाला। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर प्रभाकर पाठक हुआ। मैंने BAMS नितेश्वर आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया है। मैंने एज ए OT असिस्टेंट मैंने IGMS पटना में भी काम किया है और महावीर कैंसर में भी काम किया है, और एज ए RMO मैंने लाइफलाइन हॉस्पिटल सहारगढ़ मधुबनी में किया है, रामशिला में किया है, सकरी में किया है, और प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिसमें मैंने काम किया है। तो ये मेरे दोस्त डॉक्टर मुकर्रम हैं जो पारा मेडिकल किए हुए, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे कहा जो सिमरी बहुत ही अति पिछड़ा ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो रास्ते में बड़े हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा हम लोगों ने एक बार मीट किया और मैंने इधर का विजिट किया, मुझे विजिट में लगा जो हाँ यहाँ पे एक ज़रूरी हॉस्पिटल एक नीड है जरूरी हॉस्पिटल की, तो मैंने अपना हेल्थ केयर के नाम से बोला जो ये अपना, ये हर एक लोगों को मुझसे अपना इन द सेंस कहने का मतलब है जो अपना जैसा लगे। यहाँ पे एकदम कम रेट में गरीब से गरीब आदमी भी आके, अगर कोई गरीब है जो पैसे देने लायक नहीं है उनके लिए भी मैंने वो रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक चीज़ मैंने रखा है। मैंने फ्री हर महीने मैंने फ्री कैंप रखा है, हर संडे को मैंने गैनिक का यानी गैनिक कहने का मतलब जो महिलाएं का जो बीमारी होती है, जो डिलीवरी हुआ किसी महिला को बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सी महिलाओं में गांठ होती है, बहुत सी महिलाओं में पीरियड नहीं होता है, बहुत सी ऐसी समस्या महिलाओं में होती है, पुरुषों में बहुत ऐसी समस्या है, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग संडे महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। हर संडे को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट OPD रखा है और हर 15 दिन पे हम लोग कैंप अगल बगल के जो भी गांव है उसमें हर 15 दिन पे हम लोग कैंप लगाएंगे। तो ये हम लोग एक संस्था खोले, अभी 8 बेड का है, अगर ऊपर देखते हैं हम लोग और आधी रात ऊपर और ले जाएंगे, और इसको मल्टी स्पेशलिटी ICU, NICU, ICCU जो भी बर्न यूनिट हर एक तरह का यहाँ पे इसमें रखेंगे। आज किनके द्वारा उद्घाटन किया है इसमें? डॉक्टर मशहूर आशमी थे जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन वो थे और हराज